बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स को, प्यार में अस्सलाम। तो जी हाँ, सुबह सुबह का वक्त, सुबह के बजे हैं 5:30 और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हाँ प्रिंदू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जा रही हूँ। यह है जी मकई का आटा, इसे थोड़ा गीला करके यहाँ प्रिंदू को डालूँगी क्योंकि सुबह सुबह यहाँ आके बैठ जाते हैं, इन्हें बहुत भूख लगती है। तो मैंने अक्सर कुछ ना कुछ दाना, चावल वगैरह या गंदम के दाने या ये मकई का आटा वगैरह डाल देते हैं, तो मैं यहाँ इन्हें डालने लगी हूँ। ये है इनका नाश्ता, तो ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रख दूँगी तो ये खा लेंगे। ये देखें तो ये लगे हैं खाने, अभी थोड़ी देर में और भी बहुत सारे परिंदे आएंगे खाने के लिए। तो जी यहाँ पर अब मैंने आपसे पीछे व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमने घर के जो बाग से आम उतारे थे, तो ये देखें जी ये अब तैयार हो चुके हैं पककर खाने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे पके हैं, ये देखें ये हमने उतार के रखे थे पकने के लिए, तकरीबन बहुत लेट पके हैं, तकरीबन 10 दिन लग गए हैं। ये देखें जी ये घर के हैं फ्रेश, बहुत ही मज़े के, और देखें देखने में भी साइज़। ये जो पौधा है आम का, ये हमने 3 साल पहले लगाया था फर्स्ट टाइम, इसने अभी ये फल दिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, तकरीबन 15-20 आम लगे थे इसके साथ और बहुत ही बड़े और प्यारे। और ये देखें जी अब हम इन्हें सबको धो कर अच्छे से साफ़ करके खुश करके फिर खाने के लिए काटेंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से खा लो। ये देखें जी ये सारे मैंने यहाँ पर धो दिए हैं, अब इन्हें काट के खाना है। तो ये देखें जी आपका भी दिल चाह रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको तो नहीं मिल सकते। ये देखें यहाँ पर मैं इसका पहले उतारूँगी छिलका और फिर छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, और बहुत ही ये मीठा था और खुशबू भी बहुत प्यारी थी और देखने में भी बहुत प्यारा था। ये देखें ऐसे क्यूब्स में काटूंगी और फिर इसे खाऊंगी। माशाल्लाह हमारे हर सीज़न का जो फल होता है वो हमारे घर में मौजूद होता है, हमारे बाग में। और यहाँ पर मैं ये डाल रही थी बैग में आम, ही अपने दादी अम्मा और पप्पो के लिए पहले जाकर उन्हें दूंगी जी। तो ये देखें मैंने ये बैग में डाल लिए हैं और अब सबसे पहले मैं उधर जाऊंगी फिर बाकी काम, और अब चलती हूँ, किस किसने चलना है मेरे साथ आ जाए, मैं तो जा रही हूँ। ये देखें बैग उठा के, तो यहाँ पर मैं जब वापस आई थी शाम के टाइम, तो शाम के खाने का टाइम आ रहा था और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू कीमा। कीमा मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था एक छाननी में, तो ये मैंने शाही कुकर में प्याज डाल दिया है भुनने के लिए, और यहाँ पर मैंने बाकी टमाटर वगैरह भी काट लिए हैं, साथ ही ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें एक एक चम्मच। तो ये देखें जी हमारा कीमा बन रहा है मज़ेदार सा, ये अदरक लहसुन जो है उछल कूद के बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट होती है इसमें थोड़ा पानी होता है तो पानी डाल के पेस्ट बनाई जाती है, तो जब ये इसमें डालती हूँ ये कुकिंग ऑयल में तो ये तो उछल कूद के बाहर आने को दौड़ता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए थे और फिर मैंने इसमें एक चम्मच नमक का डाल दिया, और साथ ही मैंने 2 चम्मच सूख मिर्च भी डाल दिया इसमें, और अब जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर और साथ ही धनिया पाउडर। ये देखिए जी आज तो हमारा कीमा बहुत ही मज़े का बनेगा, आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर और हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी मैंने डाली हैं और थोड़ी मैंने रख दी हैं एंड में डालने के लिए, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कीमा। कीमा मैंने पहले से बॉयल नहीं किया, ये देखें यानी मैंने उबाला नहीं है ऐसे, ये मैं इसमें डालूँगी। ये देखें ये कीमा जो बहुत बारीक था इसलिए मैंने इसे उबालने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये देखें जी अब इसमें बाकी जो रह गई थी हरी मिर्ची कटी और धनिया मैंने इसमें डाल दिया,
ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर साथ ही में दूध बॉईल करने लगी थी, ये देखिए ये ना हम सुबह के लिए रात को ही दूध बॉईल करके रख देते हैं, और साथ ही जो हमारे भतीजा हैं वो पीती हैं फीडर, तो बॉईल करके रख देते हैं, उबले हुए दूध की चाय अच्छी बनती है, कच्चे दूध की हम चाय नहीं पीते। ओह यहाँ तो दूध बिल्कुल बाहर गिरने वाला था, मेरी अचानक से नज़र पड़ गई तो बच गया, वरना आज मुझे बहुत ही डांट पड़ने वाली थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने देख लिया वरना सारा गिर जाता। ये देखिए जी दूध मेरा अब उबल चुका है, अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो ये देखिए जी ये मैं बना रही हूँ पेड़ा, कहते हैं इसे पेड़ा कहते हैं, हम तो पेड़ा ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो ये मेरा है पेड़ा, और अब इसे बेलूँगी और फिर प्यारी सी रोटी बन जाएगी। ये देखें जी ऐसे ऐसे करके मैं इसे बेल लूँगी और फिर रोटी बन जाएगी मेरी। ये देखें जी ऐसे करके माशाल्लाह अच्छी बनी है, इतनी भी बुरी नहीं बनी। ये देखें रोटियां तो साथ मेरी बन रही हैं, और साथ ही आपको बताती चलूँ कि प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिया करें, स्किप बिल्कुल ना करें, लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी किया करें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरी एक रोटी तो बन चुकी है, दो और रोटियाँ बनानी हैं, और उसके बाद आपसे इजाज़त भी चाहूँगी, फिर हाज़िर होंगी नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखे जी रोटी मेरी।